कितने टाइम से गाड़ी नहीं मिल रहा था भाई हमको, 2 बजे से गाड़ी नहीं मिल रहा था भैया। और इन लोग मंगला चौक से चलते चलते सकरी तक आ गए थे और मैं इन लोग को थोड़ा दूर तक लिफ्ट दे दिया। आगे गाइस अगर मैं के हिसाब से सोचूं तो इस स्लीप मैंने 3 लोगों की हेल्प किया अच्छे से। तभी मैं चलता हूँ घर और भाई देखते हैं आज कितना मजा आता है बारिश में। गाइस वो वाली गाड़ी नाली में फंस गई है। सो गाइस देखो भाई बारिश हो रही है यार, गर्मी के दिन में बारिश हो रही है तो ये कुछ नया नहीं है। आजकल गर्मी में कभी ठंडी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, ठंडी में गर्मी पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, कुछ भी कभी भी चल रहा है। सो ऑन दैट पॉइंट वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी मैं निकला हूँ ऑफिस से और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम, फिर रूम से जाएंगे अपन तखतपुर। अब आई डोंट नो कि तब तक ये बारिश रुकेगा कि नहीं, लेकिन आज जाना पड़ेगा। वैसे तो प्लान मेरा कल का था कि प्रतीक भैया के साथ हम लोग जाएंगे शूट पे, लेकिन प्रतीक भैया से जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया, भैया क्या सीन है बताओ, तो मैं भी बोला बारिश हो रहा है, कल सुबह तक का कोई गारंटी नहीं है ठीक रहेगा कि नहीं। और भैया भी बोल रहे थे नहीं जाएंगे तो मैं रायपुर जाऊँगा, तो मैं बोला ठीक है चलो रायपुर चले जाओ। तो मेरे को पूछ रहे थे रायपुर जाने के लिए, तो मैं मना कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ, तो घर भी जाना जरूरी है, बहुत याद आ रही है हमको। तो अभी हम लोग घर निकलेंगे रूम पहुंच के। तो गाइज मैं 1 सेकंड यहाँ पर रोड में चेक कर रहा हूँ कि मैं रेनकोट रखा हूँ कि नहीं। यस होपफुली मैं थैंकफुली मैं रखा हुआ हूँ रेनकोट, सो दैट अभी इसको ओढ़ के चलते हैं। ठीक रहा था क्योंकि मैं धीरे धीरे करके ये कुछ ज़्यादा ही बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई भाई। तो गाइज मैंने रेनकोट पहन लिया और मैं पक्का कोई मिल गया का जादू लगूंगा, थोड़े देर में कैप लगाऊंगा। तो बाकी ये कैप ठीक है, ये मौसम देखो गाइज पानी गिर रहा है और चलो चलते हैं, ज़्यादा लेट करेंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और रूम भी जाना ज़रूरी है क्योंकि पहली चीज़ मेरे को अपने कपड़े रखने उनको धुलवाना है मम्मी से इस वजह से, और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम है, तो इतने में तो डेफिनेटली मैं पहुंच जाऊंगा तखतपुर, उसका इशू नहीं है। बस यार बारिश और इसके बाद जो तबीयत खराब होता है ना वो मैं नहीं चाहता, बाकी सब चीज ओके। तो चलते हैं अभी रूम पहुंचते, भाई बारिश तेज हो चुकी है, बहुत तेज हो चुकी है गाइज। वैसे तो मेरे को इस बारिश में भीगने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है ये गर्मी में अगर बारिश हो जाए और उसमें तुम भीग जाओ ठंडे ठंड, मतलब थोड़ा भी ठंड लग जाए आपको, तो भाई जो तबीयत खराब होता है वो सहन नहीं होता है, तो मैं नहीं चाहता कि तबीयत खराब हो। तो अभी जाके रूम थोड़ा सा देखेंगे कि पानी रुक रहा है कि नहीं, नहीं रुकेगा तो जाना ही पड़ेगा, रुक गया तो अच्छी बात है। ओ भाई ये क्या है भाई, लेकिन आज दोपहर से थोड़ा बहुत तो मौसम बना हुआ था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन अचानक से मेरे निकलने के टाइम में ही शुरू हो गई। गाइस तो मैं घर आ गया हूँ अभी और आप लोग देख रहे हो मैं ऊपर रेनकोट पहना था, अब नीचे भी पहन लिया हूँ इसका पैंट। अभी मैं सोच लिया हूँ मैं कैसे भी करके आज घर जाके ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए, बारिश थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है, लेकिन मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सामान ये मेरा बैकपैक है और कुछ कुछ चीज़ें बस उठानी है जिसको मैं बस ऐसे पॉकेट में रखे रहता हूँ, उनको रखते हैं फिर चलते हैं। बाकी गाइस देखते हैं बारिश कितना तेज चल रहा है, तेज है तेज है तेज है, कोई नहीं अब निकले हैं तो पहुंच के ही रहेंगे। गाइस मैं घर जाने वाला था कि अंश आ गया, क्या लेके आया? कोफ्ते की सब्जी ला रहा था। तो मम्मी भेजी? हाँ। अरे यार 2 बार हो गया, 1 बार और कोई सा सब्जी लाया था उसको मैं खाता नहीं हूँ, और इस बार जिसको मैं खाता हूँ उसके लिए मेरे को तखतपुर जाना पड़ रहा है। तो मेरे साइड से आंटी को सॉरी बोल देना क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना है और मिलेंगे कल। तू पढ़ के आया कि नहीं जो पढ़ने को? चल ठीक है, मैं मंडे को आऊंगा तो फिर मंडे को आपका टेस्ट लेना है हमको। तो गाइस अंश चला गया बेचारा यार, आज भी लेके आया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। हाँ अब देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं? लाइन लाइन इधर दिखेगा समझ आएगा। तभी मैं चलता हूँ घर और भाई देखते हैं आज कितना मजा आता है बारिश में। तो गाइस अभी मैं आधे रास्ते पहुंचा था और भाई लोग मेरे को सकरी में मिले थे, इन लोगों को गाड़ी नहीं मिल रहा था। कितने टाइम से गाड़ी नहीं मिल रहा था भाई? हमको 2 बजे से गाड़ी नहीं मिल रहा था भैया। और इन लोग मंगला चौक से चलते चलते सकरी तक आ गए थे और मैं इन लोग को थोड़ा दूर तक लिफ्ट दे दिया। तो भाई कहाँ जा रहे हो अभी तुम लोग? भैया अब हम लोग यहाँ से सीधा क्या बोलते हैं इसको पेंड्री जाएंगे भैया, बहुत थके हुए हैं हम लोग, क्या बोलते हैं अभी आ रहे हैं, हमें पब्लिक लेने फोन किए हैं। ठीक है चलो, चैनल को तो जान गए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मिलते हैं आराम से जाना भाई। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, सकरी में मेरे को एक कॉल आया तो उतने टाइम बस मैं फ़ोन निकाला ही और वहाँ से धीरे धीरे निकल रहा था, तो इन लोग मेरे को चिल्लाए
तो मैं तो शुरू में लगा किसी और को चिल्लाए, फिर भैया रोक लो बहुत इमरजेंसी है जाना है घर ऐसे करके बोले, तो उतना में मैं रोका। फिर भाई लोग बताए कि इन लोग बहुत टाइम से चल रहे थे और इन लोग मंगला चौक से सकरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर होना चाहिए उतना चल के भी आगे आ गए थे और बता रहे थे कि फैमिली में मम्मी और 3 बहन है शायद तक, तो उन लोग को भी लिफ्ट दे के भिजवा दिए थे, लेकिन अपना खुद इन लोग पैदल पैदल आ रहे थे, इन लोग को कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। तो मैं सोचा कि लिफ्ट दे दूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है जानते हो रात के टाइम, तो लेकिन मैं सोचा भाई सही में ज़रूरत हुई तो फिर क्या ऐसा करते, तो फिर मैं सोचा लिफ्ट दे ही देता हूँ। तो गाइज मेरे को ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेगा खड़गपुर पहुँचने के लिए, और वो भाई लोग बता रहे थे उनको कोई बस वाला नहीं रोक रहा था यार इतने टाइम, मतलब उसका पूरा बस खाली जा रहा है फिर भी कोई रोक नहीं रहा था, ये क्या बात होती है भाई रात के टाइम अगर कोई हाथ दिखा रहे थे एटलीस्ट बस वालों को रोकना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टाइम में मैं भी झेला हूँ कि ना ऐसे शाम टाइम में ना रात टाइम में बस वाले नहीं रोकते भाई, बहुत गलत बात होता है उस टाइम इतना इमरजेंसी रहता है किसी को घर पहुँचने रहता है पता नहीं कौन कब से निकले रहे थे, रोकना चाहिए भाई। बाकी गाइस अगर मैं के हिसाब से सोचूं तो इस वीक मैंने 3 लोगों की हेल्प की है अच्छे से, एक तो उस दिन पार्टी के दिन वो भैया को रात को बहुत दूर तक थे मैंने घर लगा के पहुंचाया था, वो भैया भी अच्छे से आशीर्वाद दिए। दूसरा फिर वो एक दीदी थी उनको ऐसा एग्जाम बॉम्बे ड्रॉप किए रास्ते में, और तीसरा आज ये भाई लोग को एक फर्क खास छोड़ दिए, तो 3 अच्छे काम किए और खास वो भी आगे 3 लोगों की मदद करे। मेरे को ऐसा कोई बोलता था भी बोलते तो भाई उनकी भी कभी कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उनकी मदद कर देना। गाइस वाली गाड़ी नाली में फंस गई है, बेचारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कोई नहीं। बाकी हम लोग तो पहुंच चुके हैं घर अपने और चलते हैं, और हमारे आने का आज मेन रीज़न तो आप लोग को समझ आ गया होगा, हमको खाना घर का नसीब हो जाएगा यहाँ से आने का, नहीं निकला उनका काम। तो गाइस हमारे घर आने का मेन रीज़न ये है कि हमको आज हमारे घर को मस्त समय रहता है, खाना नसीब हो जाएगा, मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इस वजह से मैं भागते हुए आ गया वरना मैं शायद आता। बाकी ओ भाई डीजे